Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्राइडल आई मेकअप लुक. सो बहुत ही कलरफुल आई लुक मैंने क्रिएट किया है आज. आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा. और इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ग्लिटर. अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो. जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज करूंगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो. तो यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैं यूज कर रही हूँ बी परफेक्ट कॉस्मेटिक्स कार्निवल 3 आई शेडो पैलेट. सो ये बहुत ही कलरफुल एक पैलेट है. इसमें आपको 40 कलर्स मिल जाता है. सो इसमें से जो पर्पली पिंक शेड है उसको अप्लाई करूँ अपने क्रीज पे. और यहाँ पे मैंने एक फ्लैट शेडिंग ब्रश लिया है. सो सबसे पहले मैं क्रीज पे कलर को प्लेस कर रही हूँ. एंड ऑल्सो आउटर वी पे भी मैं प्लेस की हूँ कलर को. इंटेंसिफाई करूंगी एंड उसके एजेस को थोड़ा बहुत ब्लेंड करूंगी. उसके बाद मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लूंगी और जो लाइटर पिंक शेड है उसके हेल्प से एजेस को ब्लेंड कर लूंगी. तो ये हम लोगों का ट्रांजिशन शेड होगा और इसके हेल्प से थोड़ा सा अच्छे से क्रीज को ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पल शेड को और इसको मेनली फोकस कर रही हूँ आउटर व्यू पे एंड क्रीज पे. इसको भी मैं फ्लैट ब्रश के हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ. सो सबसे पहले मैं आउटर व्यू पे इसको प्लेस करूंगी एंड देन क्रीज पे भी इसको इंटेंसिफाई कर रही हूँ. सो ये आई लुक को थोड़ा सा डेप्थ प्रोवाइड करेगा. उसके बाद मैं प्रीवियस जो पर्पली पिंक शेड था उसको फिर से अप्लाई कर रही हूँ पर्पल शेड के एजेस को ब्लेंड करने के लिए. एंड अगेन मैं जो ट्रांजिशन शेड था उसको फिर से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से. नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी कट क्रीज, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश. और कंसीलर के लिए मैंने यूज किया है पैक का टेक कवर कंसीलर. तो इसके हेल्प से मैं फ्रंट सेक्शन को क्लीन कर लूंगी. क्रीज को आपको मार्क कर लेना है एंड देन लिड स्पेस को क्लीन करना है विद दैट कंसीलर शेड. इसके बाद मैं कंसीलर के एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए फिंगर के हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूंगी एंड पर्पल शेड को इसके बाद अप्लाई करूंगी आउटर वी पे और कंसीलर के एज को फर्दर ब्लेंड आउट करने के लिए. यहाँ पे मैं कंसीलर को सेट नहीं की हूँ कोई भी पाउडर और लूज पाउडर से. सो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कलर प्लेस करूँ. इसके बाद मैं प्लेस करूँ फॉरेस्ट शेड को जो कि डार्कर ग्रीन शेड है इस पैलेट का. सो इस शेड को मैं डायरेक्ट प्लेस करूँ आईलिड पे. मैंने आईलिड को इससे पहले कोई लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट नहीं सेट किया है. थोड़ा थोड़ा करके मैं कलर को प्लेस करूंगी एंड इंटेंसिफाई करूंगी. सो कलर का पिगमेंटेशन बहुत अच्छा मिलता है वेट बेस पे. बट अगर आप शिमरी शेड अप्लाई करो देन सेट कर लेना है पहले, देन आप शिमरी शेड को अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज वो काम नहीं करेगा वेट बेस पे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज करूँ लाइट ग्रीन शेड को जिसका नाम है ट्रॉपिक्स. तो इसको प्लेस करूंगी ग्रीन शेड के बाद. और फ्रंट सेक्शन पे मैं अभी तक कोई कलर प्लेस नहीं किया है. सो मैं ग्रीन शेड के साथ इसको ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूंगी. इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ येलो शेड को फ्रंट सेक्शन पे और ग्रीन शेड के साथ एजेस को ब्लेंड कर लूंगी ताकि अच्छा सा ग्रेडिएशन क्रिएट हो. सो जब भी दोनों शेड अप्लाई करो तो बैक एंड फोर्थ दोनों शेड को थोड़ा थोड़ा कम लेके अप्लाई करना है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए ताकि आपके कलर के बीच में कोई हार्शनेस ना रहे, ब्लेंडेड लुक मिले.
सो आप देख सकते हो मैं जैसे येलो फिनिश करूंगी अप्लाई करना, देन मैं ग्रीन को फिर से अप्लाई कर रही हूँ जस्ट ब्लेंड करने के लिए दोनों शेड के बीच में। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ग्लिटर, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ किंगडम ऑफ लैशेस का ग्लिटर पैलेट। इसमें से जो गोल्डन ग्लिटर है उसको अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे। तो यहाँ पे बहुत ओपेकली आपको अप्लाई नहीं करना है, जस्ट सिंपली सेंटर लीड पे पैक ऑन कर लेना है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लाइनर, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनरा का मैग्नेट आईज आईलाइनर। आई लव दिस प्रोडक्ट गाइस। सो एज यू कैन सी मैं इतना कंफर्टेबली इसके साथ काम कर सकती हूँ। सो दिस इज माय आई थिंक सेकंड और थर्ड बॉटल, मैं बहुत यूज करती हूँ वीडियोस में भी और पर्सनली भी मैं बहुत पसंद करती हूँ इस लाइनर को यूज़ करना, और ये बहुत इनएक्सपेंसिव है दैट्स व्हाई। सो बहुत इजीली इसके साथ मैं लाइनर ड्रॉ कर लूँगी। एज यू कैन सी एक विंग आईलाइनर क्रिएट करूँगी और पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट करूँ। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक का एवरलास्टिंग कोल पेंसिल। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पर्पल शेड को सबसे पहले अप्लाई करूंगी लैश लाइन के क्लोज क्लोज, काजल को थोड़ा सा ब्लेंड आउट करने के लिए एंड स्मोकीनेस लाने के लिए लोअर वाटर लाइन पे। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पर्पली पिंक शेड को, और उसके हेल्प से मैं फर्दर ब्लेंड आउट करूंगी लोअर लैश लाइन को। इसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर, और इसके हेल्प से मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाइलाइट कर लूंगी। वेट एंड वाइल्ड का प्रीशियस पेटल, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये भी आप मान सकते हो टॉप 10 में से एक हाइलाइटर है। एंड इसके बाद मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ माई वन ऑफ द फेवरेट मस्कारा। सो दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा। सो ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट मैं अपना फेवरेट ही यूज कर रही हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे फॉल्स आई लैशेज के लिए यूज कर रही हूँ द गुड लैशेज का फॉल्स आई लैशेज, एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का ओवरऑल आई मेकअप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, उसका भी लिंक मिल जाएगा। सो डिफरेंट थोड़ा कॉन्टेंट मैं डालने की ट्राई करती हूँ दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पे, सो जरूर से चेकआउट करें। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।